हे गाइस, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो एंड वेलकम टू अनकटेड पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अनकटेड पॉइंट। गाइस, आपका भाई आपके लिए एक और नई वीडियो और एक लेटेस्ट एंड न्यू कंपनी लेकर आ गया है, जहां पर आप ले सकते हैं पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन। जी गाइस, पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन आपको यहां पर मिलने वाला है। केवल आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आपको यहां पर ये लोन मिलने वाला है। अगर आप वाकई लोन लेना चाहते हैं वीडियो उसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि कंप्लीट स्टेप आपको यहां पर बताने वाला हूं किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है और कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो भाई आपकी समझ में नहीं आ पाएगा, फिर मेरे पास आप कॉमेंट्स करेंगे, मुझे बोलेंगे भाई हमारा जो लोन है यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, हमें लोन नहीं मिला, फेक वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। तो गाइस आपको बोलता हूं वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, हो सके तो मेरे भाई लाइक कर देना, और अगर आप एक नए मैंने पहली बार वीडियो देख रहे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली 2 लाख रुपए तक का लोन। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही देखा, इस वीडियो के थंबनेल में वो कंपनी मिल चुकी है जहां आपको मिलने वाला है 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन। ट्रस्टेड कंपनी आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे पास काफी कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं भाई अच्छी कंपनी लेकर आए जहां पर हम लोन ले सके और एक बड़ा लोन ले सके। तो गाइज, जिस कंपनी के बारे में आज आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप ले सकते हैं 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन। पर्सनल लोन आपको यहाँ पर मिलेगा, उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक बिजनेस लोन भी मिलने वाला है। एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चले जाएंगे। यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है एफिनोज, इंस्टेंट पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन ऐप। आप यहां पर देख सकते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको यहां पर मिलेगा, प्लस आपको बिजनेस लोन भी यहां पर मिलने वाला है। ट्रस्टेड कंपनी है। अगर मैं बात करूं उस कंपनी की रेटिंग की, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.5 रेटिंग है, 1000 ज़्यादा रिव्यू मिल चुके हैं इस एप्लीकेशन को और 100K+ डाउनलोड की जा चुकी है वाली एप्लीकेशन। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उस कंपनी की रेटिंग कम थी, तो मेरे पास कॉमेंट्स आ रहे जिसके अंदर बोले थे भाई रेटिंग देख कर वीडियो बनाया करें। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, रेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेटिंग बहुत अच्छी है। आप रेटिंग देख कर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डिटेल में इस कंपनी की, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी आपको बोल रही है कि भाई हम आपको यहां पर पर्सनल लोन दे देंगे पूरे 2 लाख रुपए तक का, जिस पर आपको इंटरेस्ट लगने वाला है 12% पर एनएम के हिसाब से। 3 साल तक के लिए आपको यहां पर ये लोन मिल जाएगा। आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी 6642 रुपए से लेकर, और 5 साल के लिए अगर आप यहां पर लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई यहां पर स्टार्ट हो जाएगी 4448 रुपए से लेकर। वही आपको यहां पर बिजनेस लोन मिलेगा पूरे 10 लाख रुपए तक का, जिस पर आपको 15% इंटरेस्ट देना होगा। 3 साल के लिए अगर आप ये लोन लेंगे तो आपको ईएमआई देनी पड़ेगी 34,665 रुपए, और अगर आप ये 5 साल के लेते हैं लोन तो आपको यहां पर ईएमआई देनी होगी 23,789 रुपए। ठीक है, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो गाइज आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी रेगुलर सोर्स मंथली इनकम आपके पास आनी चाहिए और आपके पास वैलिड आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देने हैं, कितना इंटरेस्ट होगा वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंपनी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के अंदर लोन देती है, लेकिन हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो हमें यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखी, या फिर आप जो है डायरेक्टली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आगे इसके अंदर आपने साइनअप कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से। तो मैं यहाँ पर आपके अपने मोबाइल नंबर से साइनअप करने वाला हूँ, आपको भी यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर से साइनअप कर लेना है। और गाइज जैसे आप यहाँ पर साइनअप कंप्लीट कर लेंगे, साइनअप कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सबसे ऊपर देख सकते हैं आप यहां पर कुछ टैब्स आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, नीचे आपको यहां पर लोन्स के टैब दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको यहां पर लोन कितनी तरह के आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर मैं सी ऑल पर क्लिक करके दिखाऊं तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर पर्सनल लोन मिलेगा, बिजनेस लोन आपको यहां पर मिलेगा, होम लोन आप यहां पर ले सकते हैं, एजुकेशन लोन आप यहां पर ले सकते हैं, कार लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर कुछ टूल्स दिखाई देने वाले हैं। चलिए हम सी ऑल पर क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से टूल्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर फाइनेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटी कैलकुलेट आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, लोन कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ पर, यानी अगर आप किसी और बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप कंपेयर करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, IFSC कोड ढूंढ सकते हैं आप यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे काम का यहाँ पर एक ही टूल है, वो है फाइनेंस कैलकुलेटर। जैसे आप फाइनेंस कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हैं 2 लाख का या फिर
10 लाख का। आपको ये नहीं पता कि भाई हम अगर 10 लाख रुपए का लोन ले तो हमारी ईएमआई कितनी होगी और कितने इंटरेस्ट पर कितनी ईएमआई आपको मिलने वाली है। तो भाई आप यहाँ पर अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटी कैलकुलेट कर सकते हैं, टेनर कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कितने साल के लिए आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लोन अमाउंट को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने ईएमआई कैलकुलेट पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं 10 लाख रुपए तक का, ठीक है, 10% पर एनम के इंटरेस्ट पर 30 महीने के लिए, तो आपने सिंपली कैलकुलेट पर क्लिक करना है और जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो आपकी ईएमआई आपके सामने आ जाएगी कि भाई आप जो है अगर 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 37,811 रुपए। टोटल पेमेंट आपको यहां पर करना होगा 11,34,343 रुपए और जो टोटल इंटरेस्ट आपका लगेगा वो लगेगा 1,34,343 रुपए। इसके अलावा गाइस अगर आप यहां पर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, होम लोन कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी लोन है, जो लोन आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर बाहर। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे, कितने इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, बाद में आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो जैसे आप पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रेटिंग दे रखी है, 1423 रिव्यू यहां पर मिल चुके हैं, यानी जिन्होंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया है उनको तकरीबन लोन मिला है, 4.5 रेटिंग यहां पर दी गई है। अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो गाइस यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर लोन के लिए सीधा अप्लाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन लोन के लिए, ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर मिल जाएगा। लेकिन हमने यहां पर यह सब कुछ देख लिया, फीचर्स एंड बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं भाई, क्विक अप्रूवल आपको यहां पर मिला। जी हां गाइस, आपको यहां पर क्विक अप्रूवल मिलने वाला है और अप्रूवल मिलने के बाद गाइस 2 से 3 दिन के अंदर आपके लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगा। मल्टीपर्पोज लोन आपको यहां पर मिलने वाला है, ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई सिक्योरिटी आपको यहां पर नहीं देनी है। जी हां गाइस, कोई गारंटर नहीं देना यहां पर लोन लेने के लिए। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन आपको यहां पर मिलने वाला है और भाई आपको यहां पर रीजनेबल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आपको यहां पर लोन मिलने वाला है। अगर मैं एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक। यहाँ पर मैं अगर बात करूं इनकम क्राइटेरिया की तो गाइस आपकी जो है रेगुलर मंथली सोर्स इनकम आपके पास आनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं एज की बात करूं तो गाइस अगर आप एक सैलरीड है तो आपकी उम्र कम से कम 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी उम्र 25 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो गाइस डॉक्यूमेंट्स में अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देना होगा। और रेजिडेंशियल प्रूफ में गाइस आपको यहां पर लाइसेंस अग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल या फिर पिछले 3 महीने पुराना पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देना होगा। सैलरी स्लिप आपको यहां पर देनी होगी, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना होगा पिछले 2 साल का और कुछ फोटोग्राफ्स आपको यहां पर देनी होगी, पासपोर्ट साइज, ठीक है। ये हो गया सैलरीड के लिए। गाइस अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए आपको यहां पर अलग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सबसे पहले आपको यहां पर KYC डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जिसके अंदर आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको यहां पर देना होगा, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देना होगा। रेजिडेंस प्रूफ में आपको यहां पर लीव एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल या फिर आपको यहां पर पिछले 3 महीने पुराना पासपोर्ट देना होगा। प्रूफ ऑफ इनकम आपको यहां पर देनी होगी, बैंक स्टेटमेंट आपको यहां पर देनी होगी पिछले 6 महीने की, ऑफिशियल एड्रेस प्रूफ आपको यहां पर देना होगा और गाइज आपको यहां पर रेजिडेंस प्रूफ और ऑफिस ओनरशिप प्रूफ आपको यहां पर देना होगा और गाइज आपको यहां पर आपके बिजनेस का प्रूफ भी देना होगा। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की और चार्जेस की तो गाइज उसको बताऊंगा मैं यहां पर, तो काफी लंबी है यहां पर ये वीडियो बन जाएगी। यहां पर अलग अलग बैंक की अलग अलग इंटरेस्ट और अलग चार्जेस यहां पर दिखाई दे रही है। बैंक आपको यहां पर क्यों दिखाई दे रहे हैं गाइस, मैं आपको बता दूं अफिनोज के साथ जो फाइनेंस पार्टनर कंपनी है वो बैंक है और कुछ फाइनेंस कंपनी है जो आपको लोन देगी, इससे आपके साथ कोई फ्रॉड होने का चांस ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर लोन मिलेगा अगर आप एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहां पर आपने लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो गाइस आपने यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर क्या देने हैं आपने यहां पर वो देख लिया। चलिए अब आपको बताता हूं यहां पर लोन के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कौन सा लोन आप यहां पर लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड है या फिर प्रोफेशनल, तो आपने यहां पर किसी एक पर क्लिक करना है। मान लीजिए आप सैलरीड है तो आपने सैलरी पर क्लिक करना है। उसके बाद कंपनी का नाम आपको यहां पर डाल देना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद गाइस आपको यहां पर डालना है कितने साल से आप इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस आपको यहां पर डालना है कि भाई आपकी मंथली सैलरी कितनी है और आप जो है अपनी सैलरी सीधा बैंक में लेते हैं या फिर कैश से लेते हैं, ये डिटेल फिल करनी है, नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी पहले से कोई इंस्टॉलमेंट चल रही है या नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो उसकी ईएमआई कितनी आपने यहाँ पर वो डाल देनी है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कौन सा आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपकी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर डालना है आपकी सिटी कौन सी है। सबसे ऊपर आप सर्च करके अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे अगर आप न्यू दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर से है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए मुझे यहां पर भाई 2 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है तो मैं 2 लाख रुपए डालने के बाद नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस यहां पर डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद गाइज मेरा मोबाइल नंबर यहां पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद गाइज आपकी एलिजिबिलिटी यहां पर आ जाएगी। जो कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार है वो कंपनी की लिस्ट आपके सामने आने वाली है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग कंपनियां यहां पर दिखाई दे रही है। फिल्ट्रॉन इंडिया आपको यहां पर दे रही है 3,25,000 रुपए तक का लोन। ICICI बैंक आपको यहां पर 2 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। और गाइज ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं विंटेज फाइनेंस कंपनी है जो आपको दे रही है 3,27,549 रुपए का लोन। गाइज अब आपको यहां पर क्या देखना है, कौन सी कंपनी का इंटरेस्ट कम है वो आपको यहां पर देखना है। जैसे कि ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं विंटेज फाइनेंस कंपनी आपको दे रही है 48 महीने के लिए 19% पर एनम के इंटरेस्ट पर। फिल्ट्रॉन इंडिया आपको यहां पर लोन दे रही है 22% पर एनम के इंटरेस्ट पर 36 महीने के लिए। और सबसे नीचे आपको यहां पर ICICI बैंक लोन दे रहा है 36 महीने के लिए 16.75% पर एनम के हिसाब से, जिसकी ईएमआई हो जाएगी 7,105 रुपए 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए इलिजिबल हो। गाइस आपको यहां पर क्या करना है, जिसका सबसे कम इंटरेस्ट हो उस कंपनी से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर मैं यहां पर लोन अप्लाई करूं तो मैं करने वाला हूं ICICI बैंक से, लेकिन मुझे लोन नहीं लेना, लोन आपको लेना है तो आपको ही भाई यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, लोन अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है गेट इंस्टेंट अप्रूवल पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहां पर कुछ डिटेल फिल करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होंगे और आपको इंस्टेंटली यहां पर अप्रूवल मिल जाएगा अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो ले सकते हैं यहां से। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी होती है लोन लेने के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने हैं। गाइस आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे, बाकी आगे आपको पता ही चल जाएगा जब आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो भाई मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बोल दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूले। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो साथ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।